बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि एक वीडियो में आप भाई के साथ अभी शेयर करता हूँ कि ये एक टैक्सी वाला और एक दूसरा भाई गाड़ी वाला, ये दोनों, इनकी क्या गलती है। इन दोनों को अभी तक पकड़ लिया गया है। मरूर वगैरह ने इनकी खींची हुई पिक्चर, इन गाड़ियों की जो इनको पकड़ लिया गया है, वो सोशल मीडिया पर डाल दी है। मैं आपको अभी वो पिक्चर भी दिखा रखा हूँ और इनकी वीडियो के क्लिप भी दिखाता हूँ मैं कि ये बंदे रोड के ऊपर क्या गलती कर रहे थे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको भाई एक छोटी सी बात बताता चलूँ, जो कि टैक्सी वाले मेरे भाई हैं सऊदी अरेबिया में, उन्हीं से रिलेटेड है और मैंने खुद अपनी आंखों से एक टैक्सी के साथ सुनी है, अपने कानों से सुनी, आंखों से देखी है। वो बंदे के साथ मैंने सफ़र किया है जी टैक्सी में। पाकिस्तानी लड़का था, बिल्कुल 23-24 साल का लड़का था। तो वो बता रहा था मुझे कि मैंने बातचीत होने लगी, मैंने बोला कब आए, वो बोला लॉकडाउन से मैं 10-15 दिन पहले आया था बस, तो बाद में लॉकडाउन लग गया इधर आया। तो मैंने बोला, फिर बोला उन 6-7 माह में हम इधर मक्का में मौजूद थे, तो उन 6-7 माह में भाई मैंने सिर्फ 32-33 दिन काम किया है बस, और मुझे कोई काम नहीं। मैंने बोला काम, वो बोलता वो भी बाहर कहीं कोई दिहाड़ी वगैरह मिल गई तो वो लगा ली, टैक्सी वगैरह तो मुकम्मल तौर पर बंद थी आपको पता है। तो वो भी बोलता है कि वो दिहाड़ी वगैरह लगती थी, हम कमाते थे, लाते थे, सिर्फ खाने के पैसे अपने पूरे करते थे, बाकी जूती कपड़ा वगैरह वो तो पाकिस्तान से हम लाए थे वही पहन रहे थे। उन 6-7 माह में भाई एक रियाल नहीं कमाया है, सिर्फ कहीं से दिहाड़ी मिगाड़ी खींच तुरू कर लगा कर अपना खर्चा यानी कि खाने का पैसा निकाला है। तो मैं बहुत उसकी बात सुनकर हैरान रहा हूँ कि यार ऐसे हालात भी रहे हैं टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर। अभी बात करते हैं जी इस वीडियो में, इस वीडियो के मुतल्लिक जो मैं अभी आपको शायद दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ। उस लड़के को मैंने पूछा है कि फिर अभी क्या सूरत हाल है, उसके पास हंडाई वालों की न्यू एलांट्रा गाड़ी थी। वो बोल रहा था कि अभी 3 वीक मैंने, पहले 3 हफ्ते मुझे गुजर चुके, चौथा हफ्ता जा रहा है, इस हफ्ते हो सकता है मुझे कुछ बचत आए, लेकिन पिछले 3 हफ्ते भाई मैंने इधर उधर से खींच तुरू कर शिरके के पैसे पूरे किए, यानी कि 130 रियाल योमिया जो होती है वही पूरे कर रहा हूँ। ऐसे हालात हैं टैक्सी ड्राइवरों के सऊदी अरेबिया में, जो मैंने भाई अपनी कानों से और अपनी आंखों से उस लड़के को देखा और सुने हैं उससे। तो ये टैक्सी वाले को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, जो मैं अभी शायद आपको वीडियो दिखा चुका हूँ या आप ये देख रखे होंगे साइड पर, कि ये ऐसे रोड के ऊपर इस गाड़ी वाले के साथ पंगे ले रहा है और ये गाड़ी वाला भी उससे ले रहा है। दोनों एक दूसरे के सामने भाई गाड़ी लगाते हैं, वो उसको आप यही बोले साइड लगाने की कोशिश कर रहा है, उसके आगे ब्रेकिंग लगा रहा है, वो पीछे से ब्रेकिंग लगा रहा है। तो ये वीडियो इनकी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपको कुछ शुरता मरूर दौरियत वगैरह देखना देखे, कुछ कैमरे के कैच में आप आए ना आए, आपकी भाई किसी सऊदी ने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ है इनके साथ भी, पीछे गाड़ी वाले किसी सऊदी ने वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पर डाली है, मरूर दौरियात ने देखी है, देखी है, फिर उन लोगों ने कार्रवाई की है, इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों की गाड़ियाँ अरेस्ट कर ली गई हैं। अभी इनको अच्छा खासा फाइन होगा और हो सकता है इनको कुछ दिन के लिए जेल भी भेज दिया जाए। तो भाई ऐसे तमाम तर कवानीन से बचें सऊदी अरेबिया में, खासकर ट्रैफिक के कवानीन आप सब भाइयों को पता है बहुत सख्त है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरब से मतलब कोई भी और न्यूज़ जाननी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।